गिरगिट का सपना, मोहन राकेश। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और हर चीज हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी कोई जिंदगी थी? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था, हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था, खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी, शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर ये भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं है। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था, ऐसा बढ़िया लहरिया था, उसकी खाल पर देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे, वो खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वो गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लेने के लिए वो कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊंग आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वो पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा, लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। ये उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामखा वो पत्ती खा ली? अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो? वो अपने को झटकाकर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वो बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वो पूरा जमीन से बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर दिखता था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई, फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वो हैरान भी हुआ और खुश भी, उसकी कामना पूरी हो गई थी, वो सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे, यहां तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वो रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर काटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था तो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदला जा सकता था?
अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वो सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरेली पूछ। जब वो अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नजर आए तो उसे वो लपक ले। पर सांप वहां कोई था ही नहीं। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिस्म में ऐसे गड़ गया कि ना उछलने बने और ना नीचे आते। आखिर जब वो बहुत परेशान हो गया तो वो मनाने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा? इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती, ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वो नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता ही नहीं था। वो जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे ये भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हो। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होता और क्या वो अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी दो तीन कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोट से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वो टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौओं के साथ वो भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था और वो ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काए काए की। पर तभी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वो कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वो अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख अब गायब हो गए थे और वो वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन ही मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है कि वो गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा चखा पाता।